नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि मुख्य निर्वाचन से जुड़ी है। मुख्य और आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अफसरों को निर्देश जारी किया गया है। वही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किया गया है। वही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किया गया, बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं सीईओ की अनुमति के बिना अवकाश भी नहीं ले सकेंगे अफसर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डीएम, एसपीओ और मंडलायुक्तों को पत्र जारी किए गए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जहां पर अफसरों को निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अफसरों को निर्देश दिए गए और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अफसरों को निर्देश जारी किए गए, जहां पर डीएमएसपी और मंडलायुक्तों को पत्र जारी किए गए और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए गए, जहां पर बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़ने के निर्देश दिए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा पुलिस अधिकारी। और ये आपको बता दें, सीईओ की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया और सीईओ की अनुमति के बिना कोई भी अफसर अवकाश भी नहीं ले पाएगा, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डीएम और एसपी और मंडलायुक्तों को पत्र जारी किए गए, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नोएडा में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है, जहां पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया गया और मामले में महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और आपको बता दें कि आरोपियों से 48 लाख नकदी, ज्वेलरी, बाइक बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जहां पर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ और आपको बता दें इसमें महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जिनके पास से 48 लाख नकदी, ज्वेलरी, बाइक भी बरामद की गई। और नोएडा 58 पुलिस ने ये आरोपियों की गिरफ्तारी की है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सुर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें कोरोना के मामूली लक्षण है और लता दीदी की उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है और कोविड के चलते लता मंगेशकर को निमोनिया भी हो गया, जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं। और लता मंगेशकर शनिवार रात से ब्रीच कैंडी अस्पताल में और कोरोना की वजह से उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। और 52 साल की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने भी बताया है और इस बात की पुष्टि भी की है। और उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना के मामले लक्षण है और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और सीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। और सीएमओ की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार होम आइसोलेशन में रहेंगे और सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था और उन्होंने पिछले कार्यक्रम समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद गए थे और इसमें मद निषेध मंत्री सुनील कुमार कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उसके बाद पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और नई कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी गई और इसके बावजूद सीएम हाउस में लगातार स्टाफ और सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए।
और बिहार में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, खान भूतत्व मंत्री जनक राम, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उत्पाद मद निषेध मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना हो चुका है। और वहीं आपको बता दें, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, हालांकि उन्हें और आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।